नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। प्रतापगढ़ विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर काव्यांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्राधिकारी नगर अभय कुमार पांडे मुख्य अतिथि की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से शुरू की गई। दीप प्रज्वलन के बाद कवि श्याम जी ने सरस्वती वंदना की, फिर सुरेश संभव की अध्यक्षता में इंजीनियर विशाल नाथ तिवारी, अनीश देहाती, अशोक राम कुमार अशोक ने कई कविताओं से काव्यांजलि सभा में समा बांध दिया। इस दौरान कवि कुल संस्थापक अवधि सम्राट अध्याय प्रसाद मिश्र की नातिन तनुश्री मिश्र की कविताओं ने लोगों में ऊर्जा भर दी। इस आयोजन के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक आजाद, प्रभारी आलोक तिवारी, महासचिव प्रशांत सिंह बंटी, उपाध्यक्ष डीके शर्मा, रविंद्र सिंह, धीरज मिश्रा, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रमिला मिश्र, अजय मिश्र समेत पदाधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, समाज सेवी हेमंत नंदन ओझा समेत सभी कवियों का अभिनंदन अधिवक्ता शक्तिपीठ के संस्थापक आनंद प्रचंड ने किया। रिपोर्टर गुलाबचंद गौतम, प्रतापगढ़।